दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडियन नेवी की कौन सी ब्रांच आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगी? नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम इंडियन नेवी की उन सभी ब्रांचेस को देखेंगे जिनको आप अपने इंटरेस्ट, पैशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पर अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। वही अगर आप इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में सर्व करने का सपना रखते हैं तो आपके लिए इन दोनों सर्विसेज में सूटेबल ब्रांच कौन सी होगी, इस पर ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। वीडियोस का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन नेवी एक टेक सेवी फोर्स है और डाइवर्स रेंज ऑफ करियर पाथ्स ऑफर करती है, और विद इन नेवी हर एक करियर पाथ में उनके अपने यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस होते हैं। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी में होना मतलब डिफरेंट शिप्स पर ड्यूटी करना होता है, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन नेवी में एक इंजीनियर, डॉक्टर, एविएटर, टीचर, जुडिशियल ऑफिसर, ये सब भी मौजूद होते हैं। इंडियन नेवी में मेजरली 5 ब्रांचेस मौजूद हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन एंड मेडिकल, और हर एक ब्रांच के अंदर डिफरेंट काडर्स मौजूद हैं। तो चलिए इंडियन नेवी की सभी ब्रांचेस को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट सूटेबल काडर को सिलेक्ट कर सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो सबसे पहला काडर है वो है जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव सरफेस वॉरफेयर ऑफिसर। एज एन एग्जीक्यूटिव सरफेस वॉरफेयर ऑफिसर यू वुड बी एट हेल्म ऑफ अफेयर्स इन शिप्स। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं लीडर्स ऑफ मैन, स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर एंड एम्बेसडर ऑफ आर कंट्री इन फॉरेन वाटर्स। एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप वाइटल पार्ट होते हो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जो शिप को मैनेज करता है और शिप को यूज करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेक्टिकल वॉरफेयर। इनको ट्रेन किया जाता है इन स्पेशलाइजेशंस लाइक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, गनरी एंड डाइविंग, और अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ आप बन सकते हैं कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एंड कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन। नेक्स्ट हाइड्रो, हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर्स सी में सर्वे कंडक्ट करने के लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको बस इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं बल्कि हाई सीज पर भी ऑपरेट करना पड़ता है। हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नेविगेशन चार्ट्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं जिसे अक्रॉस द वर्ल्ड मैरिनर्स द्वारा यूज किया जाता है। हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर्स को वेरियस कमांड के एरिया हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड किया जा सकता है। इसके अलावा इनको गोवा में मौजूद हाइड्रोग्राफी स्कूल में एज इंस्ट्रक्टर भी पोजीशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पायलट, इंडियन नेवी को अपने नेवल एयर आर्म के लिए पायलट्स की जरूरत होती है जो सी के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आसमान में फ्लाई करने की एस्पिरेशन रखते हैं। नेवल पायलट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड शिप्स या एश्योर, ये डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या मेरीन रिकनसेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं टू सर्च, लोकेट एंड अटैक एनिमी शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। वो सभी कैंडिडेट्स जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे एज पायलट पर किसी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए या मेरिट में नहीं आ पाए, तो आप अपने फ्लाइंग का पैशन इंडियन नेवी की नेवल एयर आर्म को ज्वाइन करके भी परस्यू कर सकते हैं। ये एडवेंचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनोखा मिशन प्रदान करता है जो इसको उन कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट चॉइस बना देती है जो फ्लाइंग के साथ अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। ऑब्जर्वर, इंडियन नेवी को जरूरत होती है एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स की जो एक्ट करते हैं एज एयरबॉर्न कोऑर्डिनेटर्स ऑफ मैरिटाइम वॉरफेयर। ऑब्जर्वर्स या एनएओ ऑफिसर्स वेरियस स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जैसे सोनिक्स, रेडार्स, सोनर्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं। एज एन एयरबॉर्न टेक्टिशियन आप फ्लाई करते हो इन हेलीकॉप्टर्स एंड फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं इन प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे रनिंग शिप्स। इंडियन नेवी के पर्सनल की फूड एंड क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करना भी लॉजिस्टिक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको नेवी द्वारा ट्रेन किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन या NAI ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द आर्मामेंट सप्लाई टू द नेवी बाय वेरियस एजेंसीज। इसके अलावा आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेवी द्वारा प्रोक्योर्ड नेवल आर्मामेंट एंड स्टोर्स की क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर करना भी NAI ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन नेवी IT फील्ड में एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है
जहां पर पर्सनल्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है इन ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क्स, आईटी और इंफोसेक एप्लीकेशन। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर को शिप्स या एस्टैब्लिशमेंट्स में पोस्टेड कर दिया जाता है जहां से वो आईटी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इंडियन नेवी अशोर और शिप से कई तरह के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती है और इंडियन नेवी में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट, मैरिटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट एंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हैं फॉर बोथ अशोर एंड अफ्लोट। मिशन CDS, CDS एग्जाम क्लियर करने के लिए सही स्टडी मटेरियल का होना जरूरी है। मैं आपको मिशन CDS बुक एंड 5000 प्लस MCQs हाईली रिकमेंड करूंगा। इन दो बुक्स के अलावा आपको किसी और स्टडी मटेरियल या कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सेल्फ स्टडी से CDS क्लियर कर पाएंगे। ये दोनों बुक्स Amazon या Flipkart पर मिल जाएगी। जज एडवोकेट, द जज एडवोकेट जनरल या जैक डिपार्टमेंट इंडियन नेवल सर्विस के लीगल आर्म है और जैक डिपार्टमेंट में मौजूद जुडिशरी ऑपरेशंस की प्राइमरी ड्यूटी है कोर्ट मार्शल्स अटेंड करना एज ट्रायल जज एडवोकेट। इस डिपार्टमेंट में मौजूद ऑफिसर जरूरत पड़ने पर शिप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स या इंडियन नेवी की यूनिट्स को लीगल एडवाइस एंड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स, एज अ स्पोर्ट्स एंट्री ऑफिसर आप सर्व करते हो एज फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर एट वेरियस एस्टैब्लिशमेंट्स। म्यूजिशियन, इंडियन नेवी बैंड एशिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंड में से एक है और एज अ म्यूजिशियन ऑफिसर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो फॉर कंडक्टिंग दी एक्लेम नेवल बैंड एट सेरेमोनीज एंड सिम्फोनिक बैंड कंसर्ट्स इन इंडिया और अब्रॉड। नेक्स्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में सबसे पहले काडर है जनरल सर्विस। एज एन इंजीनियर ऑफिसर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट में मौजूद मैरीन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को ऑपरेट एंड मेंटेन करने की। इसके अलावा इंजीनियर ऑफिसर को डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने का चांस मिलता है जहां पर भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू इंडिजिनस शिप बिल्डिंग। नेवल आर्किटेक्चर, नेवल आर्किटेक्ट स्पेशलाइज होते हैं इन वॉरशिप एंड सबमरीन कंस्ट्रक्शन और इनका काम होता है नेवल वेसल्स के डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, तो एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट में मौजूद डिफरेंट मरीन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट एंड मेंटेन करने की। सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम, अंडर वाटर सिस्टम, लॉन्ग रेंज सेंसर और एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन रखने और उनकी कॉम्बैट रेडीनेस को इंश्योर करने की सिंगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की होती है। इसके अलावा आपको नेवल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन में भी पोस्टेड किया जा सकता है जहां पर आपको वॉरशिप डिजाइन एंड बिल्डिंग एस्पेक्ट पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एजुकेशन, एजुकेशन ऑफिसर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नेवल पर्सनल। एजुकेशन ऑफिसर INA में BTech ट्रेनिंग के कैडेट्स को साइंस, टेक्निकल एंड सर्विस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये INS वलसुरा या INS शिवाजी जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में ऑफिसर्स को अब इनिशियो एंड स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेवी पर्सनल की एजुकेशनल, प्रोफेशनल और रिक्रिएशनल नीड्स को मीट करने के लिए ऑनबोर्ड नेवल शिप्स और दूसरे नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स में नेवल रेफरेंस लाइब्रेरी सेटअप की जाती है और इसको सेटअप करने और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है। एजुकेशन ऑफिसर साथ ही कई सारे इन सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जहां पर उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते उसे पैन इंडिया लेवल पर ऑफिसर्स और अग्निवीर्स के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने होते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका पैशन है पढ़ना और पढ़ाना तो इंडियन नेवी की एजुकेशन ब्रांच आपको फौज में रहते हुए अपने पैशन को फुलफिल करने की यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। मेडिकल, अगर आप मेडिकल फील्ड बैकग्राउंड से हो और इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज अ मेडिकल ऑफिसर। इंडियन नेवी सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू कॉन्ट्रीब्यूट दी वेलबींग ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। नेवी आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज को सी के चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग एनवायरमेंट में अप्लाई करते हो और साथ ही अपनी कंट्री को भी सर्व करते हो। अगर आपको नेवी में जाना है पर आपको साथ ही एक्शन पसंद है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेज यूनिट दैट इज मार्कोस या द मैरीन कमांडो फोर्स। तो ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू इंडियन नेवी के वेरियस कार्डर्स का जिनको आप अपने इंटरेस्ट, पैशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पर अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हर एक ब्रांच अलग अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के साथ आता है और आपके लिए कौन सी ब्रांच सूटेबल है इसका डिसीजन अब आप आसानी से ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।